गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आम पूर्व क्लास रे आम पढ़ी ट्रेड थ्योरी कैलकुलेशन साइंस ए विषय पढ़ी ट्रेड थ्योरी रे किसी क्लास आम नहीं कैलकुलेशन रे किसी क्लास आम नहीं आज मुझे तुम्हें इंजीनियर ड्रइंग रे क्लास नहीं आसी जोटा कि तुम फ्री हैंड स्केच जो एग्जाम आसूम फ्री हैंड स्केच ताको कमी जापर आउ को टाइप आस तो फ्री हैंड स्केच रे प्रथम क्लास फास्ट क्लास मुझे आसी हामर उपरे तो हामर केते टाइप रो हामर देखे सब केमती देखला या स्टडी कला पर जाए तुम फ्री हैंड स्केच रे जेकोसी हामर को बनई पार तो चलो जी से हामर गुड़िक कौन कौन अच्छी जानवा देखा आउ जमी एग्जाम फ्री हैंड स्केच रे आराम से बहुत सहज बन पार तो प्रथम अच्छे आमर हैंड हामर देख पार हैंड हामर एटा हूँ आम हैंड हामर हैंड हामर तो फास्ट हमारे हैंड हामर कहुचे हैंड हामर हैंडल बोली कह जाए आटा हूँ हामरटा यहाँ हामर यहाँ हूँ हैंडल ये हैंड हामर बेसिकाली आम फोर्जिंग सप्रे व्यवहार कराए जो आम फोर्जिंग करे कौन से मेटाल को तो से टाइम हैंड हामर व्यवहार करुचे तो हैंड हामर आम जो फोर्जिंग कर जगह व्यवहार करुचे हैंड हामर तापर देखा क्रसपेन हामर तुम देख पार्च क्रसपेन हामर आ गए अच्छे स्ट्रेटपेन हामर जो क्रसपेन हामर अच्छी आउ स्ट्रेटपेन हामर अच्छी या जानवा केमी जे क्रसपेन हामर कौटा आउ स्ट्रेटपेन हामर कौटा तो देख क्रसपेन हामर आम के जानवा ये क्रसपेन हामर बोली जोबले आम हैंडेल लग जा गोटे हामर होल द्वारा हैंडल लगुच तो देख तार जो पेन गुड़ा अच्छी ये जो पेन टा अच्छे तार पॉइंटा तार हैंडल अपोजिट डिरेक्शन रे थाए परपेंडिकुलर डिरेक्शन रे थाए बुझिपाल जो आम हैंडेल लगे सारापर तार पेन टा तार जो पॉइंटा अच्छे से पॉइंटा तार जो हैंडेल अपोजिट थाए परपेंडिकुलर राइट एंगल अनुसार थाए तो क्रसपेन हामर बोली कह जाए तुम देख ये फिगर टा क्रसपेन हामर जो आस तुम जानवे हैंडेल तार जो पॉइंटा अच्छी गोटे परपेंडिकुलर डिरेक्शन अच्छी गोटे राइट एंगल डिरेक्शन अच्छी बुझिपाल देखा स्टेटपेन हामर कम जाना देख स्टेटपेन हामर आम जो होल अच्छी कि हैंडेल लगुच तो तार जो पेन टाइम स्ट्रेट लाइन रे अच्छी पारालाल अनुसार अच्छी हैंडेल सहित पेन टा जो अच्छी तार जो पॉइंट अच्छी से हैंडेल सहित पारालाल अनुसार अच्छी तो से स्टेटपेन हामर बोली कहुए क्रसपेन हामर आउ स्टेटपेन हामर भितर फरक रहा क्रसपेन हामर हूँ आम हैंडेल अपोजिट डिरेक्शन पॉइंट कि पेन टा थाए आउ स्टेटमेंट हमारे रे हैंडेल रो पारालल अनुसार तार पेन कि तार पॉइंटा थाए एम डिफरेन्स एति बाकी सब सामान ये जो क्रसपेन हमार आम गोटे वन डिरेक्शन सेपारेट गोटे मेटाल को वन डिरेक्शन सेपारेट कर व्यवहार करुचे आउ स्टेटमेंट हमार से आम कौन से मेटाल जब वन डिरेक्शन सेपारेट करुचे हमार व्यवहार कर दुईटा हमार जापरल तापर देखा बॉलपेन हमार यहाँ हूँ आम बॉलपेन हमार फिटर पिलांकर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट गोटे हामर हैंड टूल जोटा कहुए बेस व्यवहार कराए फिटर सप्रे है ये बेसिकली व्यवहार कराए यहाँ आमर पंचिंग आउ हामिंग छोट छोट काम गुड़ा जी आम व्हाट्सअप्रे कर फिटर सप्रे फिटर पिलाने तो यही बॉलपेन हामर व्यवहार कराए ये जो बॉलपेन हामर अच्छी या तो पेन बोली कहुए ये जो साइड चेक बोली कहुए या हैंडल सॉरी यहाँ होल बोली कह जाए आई होल बोली कह जो हैंडल आमर फिटिंग होता है हैंडल आमर होल्ड होता है याकू आई होल बोली कह जाए या फेस बोली कह जाए जो तले अच्छे या फेस बोली कह जाए या पेन बोली कह जाए या चिप बोली कह जाए या आई होल बोली कह जाए ये पार्ट्स को लेकिन गोटे बॉलपेन हामर तैयारी बॉलपेन हामर जो आस फ्री हैंड स्केच रे बॉलपेन हामर तुम निज मन को आसवा दरकार जो बॉलपेन हामर देखा कमी तो यहाँ हूँ आम बॉलपेन हामर भल स्टडी कर भले देख जो बॉलपेन हामर देखा कमी तो मुझे कहली जो क्रसपेन हामर के देखा आट्रेन हामर के देखा देखा स्लेट हामर जमती कि मुझे कहली जो हैंड हामर बेसिकाली फोर्जिंग सप्रे व्यवहार कर जाए ओनली वन हैंडे स्ट्राइकिंग ओनली वन हैंडे स्ट्राइकिंग फोर्जिंग सप्रे आम बेसिकाली हैंड हामर व्यवहार करूँ जो स्लेट हामर अच्छी यहाँ भी आम फोर्जिंग सप्रे व्यवहार कर बुझिपाल ये अच्छे सिलेज हामर ये सिलेज हामर भी आम बेसिकाली फोर्जिंग सप्रे व्यवहार कराए यहाँ दुटा तक हैंड्रे आम व्यवहार करुचे तो बहुत वेट थाए
जमी 3 kg रु 9 kg पर्यंत एटा थाए स्लो छ हमर 3 kg रु 9 kg वेट रो थाए एटा बेसिकली डबल हैंड रे याकू व्यवहार करा छे डबल हैंड रे याकू स्ट्राइकिंग करा छे तो यार तो हैंडल अछि टिके लंबा थाए जो हमर कहले हैंड हमर अपेक्षा एही हैंडल एही हमर हैंडल ता टिके लेंथ रे बेसी थाए आ हैंड हमर हैंडल ता टिके शॉर्ट थाए सेड्स हमर अपेक्षा तो या भीतर फरक एति कि एटा हमर 1 kg रु 2 kg भीतर मिल जाए हैंड हमरटा किंतु स्लेट सा मारटा हमर 3 kg रु 9 kg मध्य रे थाए डिफरेंस होति मान कहत एति कि एटा गोटे हैंड रे स्ट्राइकिंग करा जाए एटा दुटा हैंड रे स्ट्राइकिंग करा जाए एमान को भीतर डिफरेंस होला एति कि एटा फोर्जिंग शॉप रे व्यवहार करा जाए आ एटा भी फोर्जिंग शॉप रे व्यवहार करा जाए तब देखिबा हम एटा शीट मेटल वर्क करू छे जत हम शीट मेटल रो वर्क करू छे सेत बेले किछ न किछ हमर व्यवहार पड़ जे जो सॉफ्ट हमर बोली कहा जाए किंबा तक मैलेट बोली कहा जाए सॉफ्ट हमर किंबा मैलेट बोली कहा जाए मैलेट बहुत प्रकार मेटल रे तैयारी हला कि जंदे कि हमर देखे गुडे वुड मैलेट अछि जोटा कि हमर शीट मेटल वर्क पे व्यवहार कर जे एटा वुडन मैलेट बोली कहा जाए एटा वुड रे काठ रे तैयारी तो हार्ड वुड रे तैयारी एटा एटा को वुडन मैलेट बोली कहा जाए देखि पाथुबो बोले स्टडी करो आ रेला सॉफ्ट मैलेट एटा होछ हमर सॉफ्ट मैलेट एटा होछ हमर सॉफ्ट मैलेट तापर अछि रबर मैलेट एटा होछ हमर रबर मैलेट तापर देखियो नायलॉन मैलेट नायलॉन किंबा प्लास्टिक मैलेट एटा को नायलॉन किंबा प्लास्टिक हमर बोली कहा जाए के मैलेट बोली कहा जाए एटा होछ होछ हमर वुड मैलेट मा वुड हमर या को सॉफ्ट हमर किंबा सॉफ्ट मैलेट बोली कहा जाए या को रबर मैलेट किंबा रबर हमर बोली कहा जाए या को नायलॉन और प्लास्टिक हमर किंबा नायलॉन और प्लास्टिक मैलेट बोली कहा जाए ए जो चित्र गुडा तम सामने रे अछि ए जो फिगर गुडा तम सामने रे अछि एको भल स्टडी करो जे कोनो से एग्जाम रे तमरो जो एआईटीटी एग्जाम जे सीबीटी एग्जाम होबो किमे तमरो प्रैक्टिकल एग्जाम होछि किमे तमरो इंजीनियर बेसिकली इंजीनियरिंग क्लास रे तमरो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास रे बेसिकली ओसो फिगर गुडा कतर फ्री हैंड स्केच रो आसे तो फ्री हैंड स्केच रे केमदि बनेबो फिगर गुडा क त मु देखै गेलि जे एटा नि है तमरो एटा माने गोटे दिन जेम चले एबितु आसीबो त भल रे मन रखिले तमरो एटा इंजीनियरिंग क्लास जते इंजीनियरिंग ड्राइंग रे तम एग्जाम होबो तबले बहुत हेल्पफुल होबो बुझबालो तो एटा थिला तमरो इंजीनियरिंग ड्राइंग रो फर्स्ट क्लास जोडा फ्री हैंड स्केच रे बनाय आछि हमर विषय रे तो सॉफ्ट हमर किमा हमरो फोर्जिंग हमार अछि बॉलपेन हमार हला किमा हमरो स्ट्रेट पेन हमार हला किमा हमरो क्रॉस पेन हमार हला ए विषय हम जानि पल्लो देखि बड स्टडी कर परते ए भितरे तो एक क्लास एति कि तमको मु नेक्स्ट क्लास ने के आछि आउ इंस्ट्रूमेंट ने की।